बताने वाले हैं कि कैसे वर्कशीट को शॉर्टकट की से जल्दी आप सेटिंग करके और मैटिंग कर सकते हैं। इसके आपकी वर्कशीट जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रही है, तो उसको फॉर्मेट करने के लिए आपको एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्टर एच करके ओ करके आई करिएगा तो ये देखिए आपकी फिट टू कॉलम हो जाएगी। अब आपको रो वाइज करना है तो ऑल्टर एच करके ओ करके आर करिएगा तो रो वाइज फिट हो जाएगी। अब आपको इसको सेंटर अलाइन करना है तो ऑल्टर एच करके ए करके सी दबाइएगा, इसको सेलेक्ट करे रहिए पहले, ऑल्टर एच करके ए करके सी करिएगा तो सारी चीज़ें देखिए सेंटर में आ गई। अब सेंटर में आ जाने के बाद आपको बॉर्डर लगाना है तो कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट किए रहेंगे, कंट्रोल बी करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है ऑल्टर एच करेंगे। अब ये बॉर्डर देखिए दिख रहा है तो यहाँ से जा करके एच करके बी करके ए कर देंगे, ए करने से अल्टर एच करके बी करके इसको सेलेक्ट करिए, अल्टर एच करके बी करके ए करेंगे तो सारे में आपकी बॉर्डर आ जाएगी। अब हमको बॉर्डर हटाना तो अल्टर एच करके बी करके अल्टर एच करके बी करके नो बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि डेट में डिफरेंट टाइप की डेट है तो इसको ठीक करने के लिए इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, अलाइन नंबर में जाइए, डेट में जाइए और जिस टाइप की आपको डेट चाहिए वो वाली डेट आप सेट कर लीजिए। मान लीजिए हमको ये चाहिए ये वाली, तो इसको करके ओके कर देंगे तो सारी डेट आपकी सही हो जाएगी। अब नंबर में देखिए हमारे कुछ नंबर जो है टेक्स्ट फॉर्म में है तो टेक्स्ट फॉर्म में होने की वजह से जब आप यहाँ पर सम करिएगा तो आपका सम जो है कम आएगा, क्यों? क्योंकि 401 ऐड नहीं होगा तो यहाँ पर सम नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, मतलब टैक्स वाला केवल कर रहा है, उल्टा ही कर रहा है। तो यहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिए, यहाँ पर इक्वल टू सम अप और रेंज ले लेंगे हम लोग और एंटर करेंगे तो देखिए 13 आया, लेकिन यहाँ पर जब आप सम करिएगा तो वो 18 देगा, क्यों? क्योंकि 4 और 1 भी वो जोड़ देगा, 4 और 1 वो नहीं जोड़ेगा। अब उसको नहीं जोड़ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर जाइएगा तो ये देखिए एरर दिखा रहा है, इस एरर को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू नंबर कर दीजिए। टैक्स को नंबर में जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो जब हम सम करेंगे तो ये क्या करेगा, सम करने पर इस रेंज को लेने पर इसको 4 और 1 भी ले लेगा। तो यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 13 आया, तो इसको ठीक करने के लिए हमको सिर्फ इसको दबाना और इस सिंबल को क्लिक करना और कन्वर्ट टू नंबर कर देना तो उससे नंबर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी पूरी वर्कशीट को सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम करते हैं आप तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे आप सम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपके पास सारे नंबर हैं, देखिए तो ये पूरा ये नंबर रहेगा। तो इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑल्टर एच याद रखना, देखिए जितने भी मेन्यू हैं सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट एज ए टेबल है, कॉमा लगाना है आपको तो जिस रेंज में कॉमा लगाना है उसको सेलेक्ट करिए, यहाँ मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉमा दबाइएगा तो ये देखिए कॉमा लग जाएगा, या ऑल्टर एच करके आपको के दबाना है। तो आपको ये सब अगर शॉर्टकट याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑल्टर एच करके यू दबाइएगा तो यहाँ पर देखिए ऑल्टर एच करके यू दबाएंगे हम लोग तो सम हो जाएगा। अब ये यहाँ पर उसने रेंज मांगी थी, हमने रेंज सही नहीं दिया तो रेंज सही कर दीजिए तो ये दे देगा। तो इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कलर करना है, कलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्टर एच करिए, ऑल्टर एच करके
ये देखिए हाइलाइटर अल्टर एच आ गया। यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी ये तो बॉर्डर के लिए आया। अच्छा तो कलर के लिए अल्टर एच करेंगे और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो कलर भरना चाहेंगे भर जाएगा। अब मान लीजिए दूसरी लाइन के लिए भी आपको करना है, तो दूसरी लाइन में जा करके यहाँ पे बॉर्डर को चेंज करके आप डाल सकते हैं। अब ये आपका हो गया। आप फॉन्ट भी बदल सकते हैं, इसको बोल्ड कर लीजिए, इसको इंक्रीज कर लीजिए, इसको बॉर्डर कर लीजिए, जो आपको करना है चाहे क्लिक से करिए चाहे शॉर्टकट से करिए। तो शॉर्टकट अगर याद है तो आप जल्दी कर पाइएगा। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, प्लीज रिमेंबर ऑल्टर एच फंक्शन सो यू कैन मेक अ चेंजेस क्विकली। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर ये वाला आ रहा है जो ऑप्शन ऑल्टर एच करके, यहाँ पे ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो वाला चाहिए होगा वो वाला आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको वर्टिकल कर दिया तो ये ऐसे आ जाएगा। इसको आप एंगल कर दीजिए, इसको आप ऊपर वाला कर लीजिए, तो ये डिफरेंट ढंग से आप अपने टेबल को सेट कर सकते हैं। इसको ये देखिए यहाँ से भी घुमा कर सकते हैं इसको, जैसे अब ये करिएगा तो ये सिंपल पुराना वाला आ जाएगा। तो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल IT Info।